हेलो गाइस, तो जैसे कि पिछली प्रमोशन वीडियो के लिए मैंने एक अपडेट दिया था लास्ट वीडियो में, तो जिन लोगों को नहीं भी पता है, आज मैं पहला वीडियो Q&A लेकर आ रहा हूँ। और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, सिर्फ दो क्रिएटर्स के मैंने यहाँ पे वीडियोस लिए हैं। एक डेमो की तरह ये रहेगा, जिन लोगों को बोल के मेरा समझ नहीं आया था उस टाइम उस वीडियो के अंदर, अभी एक छोटा सा डेमो है। सिर्फ दो क्रिएटर्स के मैंने यहाँ पे वीडियोस, क्वेश्चन वीडियोस जो हैं वो यूज़ किए हैं। और एक तरह से देखो यार, इस चीज़ का क्या बेनिफिट होगा कि जितने लोग मुझे जानते हैं, एक तरह से आपको भी जानेंगे, ठीक है। दूसरा, जो लोग कैमरा के सामने आने से हिचकिचाते हैं, चाहे वो फ्रंट फेस वीडियो नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर क्लिप्स के ऊपर वॉइस ओवर वीडियोज़ बनाते हो, उनको भी एक मौका मिलेगा थोड़ा सा कि अपने आप को कैमरा के सामने रख के मुझे अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजो वीडियो में, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा हेजिटेशन से उस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चैनल्स पे कमेंट्स में से Q&A चलता है, तो अभी मैं वीडियो Q&A यहाँ पे शुरू किया है। और गाइज, एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि सबसे नहीं कहता हूँ, जितने लोग मतलब इस वीडियो को, जिसकी मैंने क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों की, आप इन वीडियोस को शेयर करें ज़रूर अपने एक दोस्त, दो दोस्त, जितने भी आपको लगता है क्रिएटर्स हैं जिनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, मेरे चैनल पे आने से बेनिफिट होगा, उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आप लोगों के पास कम्युनिटी टैब है तो कम्युनिटी टैब में भी डाल सकते हैं, इसमें मेरा कोई एक्शन नहीं होगा। आप अपने दिल से जहाँ भी, जैसे भी चाहो, वीडियो को आगे ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हितेश द हब कंसल्टेंसी से योर टेक्नो फ्रेंड आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने मुझे बताया था डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, टैग डालने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ। अभी तक मैंने 29 वीडियो डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, व्यूज़ ठीक ठाक ही आ रहे हैं। मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर्स की चिंता है। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ नहीं रहा है, दिन ब दिन मैं देखता हूँ 2-4 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। ये टेंशन बहुत खाई जा रही है। आपने कहा था थंबनेल पे काम करो, जी बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत काम कर गया। ये चीज़ के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कहा था टैग डालिए, सही तरीके से टैग ढूंढ के डालने लगा हूँ, इस चीज़ के लिए आपका आभार मानना चाहता हूँ। ये सब्सक्राइबर्स कम क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप मेरी मदद कर दें, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं। देखो भाई, इसके ना दो तीन रीज़न होते हैं, सब्सक्राइबर घट रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। घटने के सबसे ज़्यादा रीज़न ये होते हैं कि तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको जो चीज़ तुमसे चाहिए, अगर आप वो कंटेंट उनको नहीं दे रहे हो, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा, मान लो तुम्हें किसी ने अनइंस्टॉल की अनसब्सक्राइब किया, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक बंदे ने अनसब्सक्राइब किया, दो बंदों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया, या फिर तुम्हें तीन बंदों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब किया एक बंदे ने, तब भी तो तुम्हारे घटेंगे। तो इसका ये भी होता है कि तुम्हारे जो पुराने हैं वो कोई छोड़ भी रहा है चैनल को और कोई नया आ भी रहा है, लेकिन अगर वो छोड़ने वाला ना हो और आने वाले ही आएँ तब तुम्हें ग्रोथ दिखेगी। तो उसके लिए देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं रीज़न है कि व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है, हो सकता है वीडियो में, क्वालिटी में, या फिर आपका जो अंदर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, या फिर आपका जो कंटेंट है वो टॉपिक कि शायद उस तरह से ना लग रहा हो ऑडियंस को। तो एक सजेशन मैं देता हूँ दोस्त, कि कभी भी वीडियो डालते हो ना, खुद उसको पहले एनालाइज़ करो, एक बार देखो, दो बार देखो, और अगर सबसे बेस्ट है कि तुम अपने भाई बहन दोस्त किसी को दिखाओ एक बार कि भाई ये वीडियो देख, इसमें क्या कमी लग रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना वो हमारी कमी जल्दी पकड़ लेता है, हमें अपनी वीडियो सभी ठीक लगती हैं। तो एक बार कभी भी वीडियो पब्लिश करने से पहले अगर पॉसिबल है किसी थर्ड पर्सन को ज़रूर दिखाओ कि इसमें क्या कमी लग रही है, शायद बोलने का तरीका हो सकता है, वीडियो हो सकती है, या समझाने का तरीका होता है। अगर उस बंदे ने ओके कर दी फिर तुम उसको डाल दो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूज़ अगर आ रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं तो लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहो, वो शायद इसलिए छोड़ के जा रहे हो क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया शायद वो कंटेंट आप उनको नहीं दे रहे हो। तो एक बार उनके साथ टच में रहो, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, जैसे भी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ एक रिश्ता बनाओ, एक बॉन्ड बनाओ। अब चलते हैं अपने दूसरे क्रिएटर के दूसरे सवाल के ऊपर गाइस, देख लेते हैं ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो मेरे प्रॉब्लम ये है कि
कि मतलब अगर हम YouTube स्टूडियो खोलते हैं और वहाँ इम्प्रेशन जो है मान लीजिए 100 दिखा रहे हैं और जो व्यू है वो 100+ दिखा रहे हैं, तो ये किस कारण होता है और इसका फ़ायदा है या कोई नुकसान है, कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो वो भाई प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आपका सवाल ये है कि इम्प्रेशंस कम आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऐसा क्यों है? देखो भाई, अगर तुम्हें इम्प्रेशन तुम्हारे 10 आ रहे हैं, व्यूज़ आपके 12 आ गए, ठीक है, बात यही सवाल था ना, इम्प्रेशन कम व्यूज़ ज़्यादा आ गए। तो इम्प्रेशन वो होते हैं जब आपकी वीडियो किसी के ब्राउज़ में जाती है या फिर किसी को नोटिफिकेशन या कुछ इम्प्रेशंस जाते हैं और वो उन पे क्लिक करके आता है। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग आपके चैनल को सर्च करते हैं और वीडियो लिस्ट में से निकाल के देखते हैं, वहाँ पे इम्प्रेशन नहीं गया, बंदे ने सर्च किया, चैनल पे आया, वीडियो मैनेजर में गया, तब उसको आपकी वीडियो मिली, तो वो इम्प्रेशंस काउंट में नहीं आता है। इससे आपके व्यूज़ इंक्रीज हो सकते हैं बेशक आपके इम्प्रेशन कम हो, और इनका कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिंदास चलो, ठीक है। इम्प्रेशंस आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपकी वीडियो जा रही है सजेशंस में, सर्च में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पे, ठीक है। तो गाइज़ ये सवाल थे आज के, और इस तरह से आप लोगों के क्लिप्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रोसेस आपको पता है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, जिसने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो, जिसने किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। अपने सवालों को लिखने की बजाय वीडियो क्लिप में इस तरह से भेजिए, और इसी तरह से जल्दी ही हफ्ते में 2, 3, 1, 2 जो भी वीडियोज़ में पॉसिबल हो सवालों के हिसाब से, आपको इस तरह से वीडियो Q&A देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब रेगुलर लाइफ टाइम तक ये चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहा तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए आप लोगों का। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।